नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 27 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे सभी व्यूअर्स के लिए अहम सूचना। अगर आप रोजगार की तलाश में बैठे हैं और आपको रोजगार से जुड़े समाचार की तलाश है तो आप हमारे YouTube चैनल GOBPVT को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ज्ञात हो, हमारे चैनल पर आपको डेली प्राइवेट से लेकर सरकारी नौकरी की ताजा जानकारी मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार को पहली बार एक साथ मिले 619 महिला पुलिस। पशुपति पारस ने किया साफ, किसी भी हाल में नहीं जाएंगे चिराग के साथ। 7 विभागों में होगी सहायक अभियंताओं की बहाली। अब आराम से घूमने जाए ककोला जलप्रपात। बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की होगी पढ़ाई। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने प्रशासनिक अधिकारी के कुल मिलाकर 300 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री 60% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 21 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.newindia.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। एक साथ मिले 619 महिला पुलिस। राजगीर पुलिस एकेडमी में बीते दिन बिहार को पहली बार एक साथ 619 महिला पुलिस मिली है। इतना ही नहीं, बीते दिन बिहार को कुल मिलाकर 1586 दरोगा मिले हैं। सबसे खास बात यह है कि करीब 27 सालों के बाद यहां पासिंग आउट परेड की सलामी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ली। इस दौरान उन्होंने पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इससे पहले 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पटना के गांधी मैदान में सब इंस्पेक्टर के पासिंग आउट परेड की सलामी ली थी। हालांकि उस वक्त केवल 53 महिला अधिकारी ही थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, परेड ग्राउंड में प्रशिक्षु होकर सब इंस्पेक्टर दाखिल होंगे, लेकिन परेड के बाद जब वो फोर्ट वॉल के बाहर निकलेंगे तो कंप्लीट पदाधिकारी होंगे। एनएनएमयू दरभंगा में गेस्ट फैकल्टी की भर्ती। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा बिहार ने 21 अलग अलग सब्जेक्ट में गेस्ट फैकल्टी के कुल 602 पद पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए विषय के अनुरूप योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट www.lnmu.ac.in के माध्यम से आवेदन भर सकते हैं, जो कि बीते दिन से शुरू हो चुके हैं, जो कि 16 सितंबर तक जारी रहेगा, जिसके बाद 24 सितंबर 2021 तक आधिकारिक पते पर प्राप्त हो जाने चाहिए। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंसर्न रेलेवेंट अलाइंड सब्जेक्ट में न्यूनतम 55% अंकों के साथ मास्टर्स डिग्री और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या UGC CSIR या UGC मानकों के अनुरूप PhD होना अनिवार्य है। अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल। IMD पटना के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज में आज कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में अधिकतर जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया में भी आज अधिकतर जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और के कुछ ही स्थानों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय के कुछ ही जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के कुछ स्थानों पर बारिश को लेकर अनुमान जताया गया है। 7 विभागों में होगी सहायक अभियंताओं की बहाली। 7 विभागों में जल्द ही सहायक अभियंताओं की बहाली होने वाली है। इस बाबत 1241 उम्मीदवारों की सूची BPSC ने पथ निर्माण विभाग को सौंप दी है, जिसके बाद अब पथ निर्माण विभाग ने यह निर्णय लिया है कि उम्मीदवारों को विभागों का आवंटन मेरिट कम चॉइस के सिद्धांत पर किया जाएगा। इसको लेकर जल्द ही सफल अभ्यर्थियों से ऑनलाइन चॉइस मांगा जाएगा। इसको लेकर विभाग जल्द ही वेबसाइट की लिंक भी जारी करने वाला है। इस बाबत पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने कहा है कि सभी 7 विभागों में सहायक अभियंता की नियुक्ति होनी है। बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति के लिए 1241 उम्मीदवार की सूची पथ निर्माण विभाग को प्राप्त हो गई है।
हमारी पहचान में हम बात करेंगे गीताश्री की। गीताश्री पत्रकार एवं साहित्यकार है। कहानी कविता लेख इनकी प्रमुख विधाएं हैं। लाइव इंडिया वेबसाइट की संपादक गीताश्री, आउटलुक पत्रिका की सहायक संपादक तथा बिंदिया पत्रिका की संपादक रही है। गीताश्री का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। गीताश्री को उनके काम के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार, मातृश्री अवार्ड, राष्ट्रीय कला समीक्षा सम्मान, ग्रास रूट बेस्ट फीचर अवार्ड, UNFPA लाडली मीडिया अवार्ड, नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया मीडिया फेलोशिप, इन्फोचेंज मीडिया फेलोशिप, नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया मीडिया फेलोशिप, आधी आबादी विमेन अचीवर्स अवार्ड और भरतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की होगी पढ़ाई। बिहार के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब नए और उभरते हुए तकनीकों को जोड़ने की तैयारी चल रही है, जिसके तहत सूबे के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब नए और उभरते हुए तकनीक का कोर्स पढ़ाया जाएगा, जिसके तहत ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D पेंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे कोर्स में इन संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बाबत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को नॉलेज पार्टनर सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया जाएगा। इसको लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन भी करवाया गया था, जिसमें आने वाले 5 सालों में योजना के 2 चरणों में कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए कुल 97 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई है। जाए ककुलत जलप्रपात। बिहार के कश्मीर के नाम से मशहूर नवादा जिले का गोविंदपुर प्रखंड का ऐतिहासिक जलप्रपात ककुलत पर कोरोना के कारण ग्रहण लगा हुआ था। हालांकि अब बिहार में मामलों में कमी आने लगी है, ऐसे में लॉकडाउन के खत्म होने के साथ ही अब इस जलप्रपात को सैलानियों के लिए खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। यानी कि अब यहां जाने के लिए लगा प्रतिबंध समाप्त हो गया है, क्योंकि अब सैलानियों और पर्यटकों के आने से कई दिनों से उनकी आमदनी पर लगा पहरा भी खत्म हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ककुलत पर प्रतिबंध लगाए जाने से कई घरों के मुखिया को अपने परिवार के लिए खाना जुटा पाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए ककोलत जलप्रपात के इर्द गिर्द के लोगों में खुशी की लहर है। अब खुली जीप में प्रचार कर पाएंगे मुखिया से लेकर सरपंच प्रत्याशी। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत अब पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। तारीखों की घोषणा के साथ ही अब प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार को लेकर भी राज्य निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिसके तहत बिहार में चुनाव प्रचार के लिए ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम कचहरी के पंच पद के प्रत्याशी, एकमात्र दोपहिया वाहन, मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति के सदस्य पदों के प्रत्याशी को 2 दोपहिया वाहन और 1 हल्का मोटर वाहन, वहीं जिला परिषद सदस्य पद के अभ्यर्थियों को अधिकतम 4 दोपहिया वाहन अथवा 2 हल्के मोटर वाहन या 2 पहिया वाहन तथा 1 हल्का मोटर वाहन का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही रिक्शा, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी इत्यादि से भी प्रचार करने की अनुमति होगी। इन महिला कर्मियों की पंचायत चुनाव के दौरान नहीं लगेगी ड्यूटी। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। तारीखों की घोषणा के साथ ही अब महिला प्रत्याशियों के चुनाव के दौरान लगाई जाने वाली ड्यूटी को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिसके तहत पंचायत चुनाव में 55 वर्ष से अधिक उम्र की महिला कर्मियों को चुनाव ड्यूटी से अलग रखा जाएगा। इसके लिए डीएम ने स्पष्ट आदेश जारी किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में अधिक उम्र की महिला कर्मियों की क्षमता को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है। जल्द ही इसके लिए NIC से डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। एक मतदान कर्मी को 3 से अधिक मतदान प्रक्रिया में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। बिहार के हर जिले में शुरू होगी PG की पढ़ाई। शिक्षा विभाग ने बीते दिन महाविद्यालयों में होने वाले PG की पढ़ाई को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ कर दिया है कि उन महाविद्यालयों में PG की पढ़ाई शुरू करने की अनुशंसा यदि विश्वविद्यालय के द्वारा दी जाती है, तब सरकार इसे प्राथमिकता से लेगी और PG की पढ़ाई प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लिए गए फैसलों के मुताबिक हर पंचायतों में 1+2 विद्यालय खुल रहा है, वहीं हर अनुमंडल में 1 डिग्री कॉलेज की स्थापना हो रही है। ऐसे में हर जिले में कम से कम 1 महाविद्यालय में PG की पढ़ाई तो होगी ही होगी। चिनूक हेलीकॉप्टर को दुरुस्त करने बक्सर पहुंचे इंजीनियर। बक्सर में बुधवार की देर शाम आपात स्थिति में वायुसेना का हेलीकॉप्टर चिनूक को तकनीकी समस्या के कारण उतारा गया, जिसके बाद देर रात से समस्या को दूर करने के लिए इंजीनियर जुटे हुए हैं। इस दौरान वहां पर आर्मी की एक गाड़ी भी पहुंची। चिनूक को दुरुस्त करने के लिए बीती शाम इंजीनियर बक्सर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि कीचड़ और पानी होने के कारण हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ होने में समय लग सकता है। हेलीकॉप्टर का पहिया जमीन में धस गया है। इस बीच यह हेलीकॉप्टर लोगों के बीच कोतूहल का विषय बना हुआ है। स्थिति ऐसी है कि वहां रास्ते पर जाम की स्थिति हो गई है। लोगों को पहली बार नजदीक से इस तरह का हेलीकॉप्टर देखने का मौका मिला है। मालूम हो कि बक्सर के धनसोई थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में बुधवार की शाम अचानक हेलीकॉप्टर को उतारा गया था। इमरजेंसी से पहले विशालकाय हेलीकॉप्टर को काफी नीचे चक्कर काटते देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। बिहार में
जल्द ही बदलेगी रेशम उद्योग की किस्मत। बिहार में रेशम और वस्त्र संस्थानों की किस्मत बहुत जल्द ही बदलने वाली है। इसको लेकर बिहार सरकार जल्द ही टेक्सटाइल से जुड़े क्षेत्र में बीटेक के 3 नए कोर्सेज को शुरू करने वाली है। इसको लेकर केंद्र सरकार के सहयोग की कोशिश शुरू हो गई है और इस संबंध में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात भी की है। इसको लेकर हाल ही में एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसके तहत बिहार में भागलपुर के नाथनगर स्थित रेशम और वस्त्र प्रक्षेत्र का एकमात्र उच्च स्तरीय तकनीक संस्थान बिहार रेशम एवं वस्त्र में सिल्क टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल केमिस्ट्री में 4 वर्षीय बीटेक कोर्सेज NIT पटना के टेक्सटाइल संकाय के रूप में विकसित करने को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया है। ई श्रम पोर्टल की हुई शुरुआत। केंद्रीय सरकार की तरफ से पूरे देश में बीते दिन ई श्रम पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है, जिसकी शुरुआत केंद्रीय श्रम संसाधन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की, जिसमें बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। इस दौरान उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार असंगठित श्रमिकों के लिए एक और पहल करने जा रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय देश भर के लगभग 43.3 करोड़ और असंगठित श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। सरकार की इस पहल से देश की सभी असंगठित कामगारों को सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। ज्ञात हो फिलहाल देश भर के असंगठित श्रमिक जो कि विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, उनकी पहचान पत्र और आधार कार्ड की तर्ज पर इनके काम के अनुसार रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। पोर्टल के शुभारंभ के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिक बीते दिन से ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार ने बाहर रहने वालों को जमीन का सर्वे करवाने की कही बात। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री रामसूरत राय, अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने वार्षिक प्रतिवेदन का लोकार्पण बीते दिन किया। इस दौरान भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस दौरान मंत्री रामसूरत राय ने भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय काफी बेहतर काम कर रहा है इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल 20 जिलों में विशेष सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे के काम में अच्छी खासी प्रगति देखने को मिल रही है। इस दौरान मंत्री ने लोगों से आह्वान किया है कि जिन जिलों में जमीन के सर्वे का काम चल रहा है और जहां खतियान का वितरण होने वाला है, वहां के लोग अपनी जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन करवा ले। जो लोग बाहर रहते हैं वो अपने घर आकर वेरिफिकेशन करें, अन्यथा सिविल कोर्ट जाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि विशेष सर्वे में नई पीढ़ी को काफी फायदा मिलेगा। जनाधिकार पार्टी ने राज्य सरकार पर बोला हमला। 106 दिनों से जनाधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव सलाखों के पीछे बंद है। हालांकि जेल में रहने के बावजूद उनकी बयानबाजी लगातार जारी है। वहीं उनकी रिहाई को लेकर पार्टी भी लगातार मांग कर रही है। इसी कड़ी में बीते दिन पप्पू यादव की रिहाई की मांग को एक बार फिर से उठाते हुए जनाधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जानबूझकर जेल में डालने का काम कर रही है। बिहार के जिले बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन बिहार की सरकार और विपक्ष इन मुद्दों को लेकर कुछ भी नहीं कर रही है। कोरोना काल में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को मुआवजे की राशि नहीं दी गई। सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि सरकार फिलहाल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ही पप्पू यादव को जेल में बंद करके रख रही है। यह राजनीतिक साजिश है। जातिगत जनगणना का विरोध करने वालों पर जीतन राम मांझी ने साधा निशाना। इन दिनों बिहार में जातिगत जनगणना की मांग खूब सुनने को मिल रही है, जिसके तहत कुछ दल इसके पक्ष में हैं तो कुछ दल इसका खूब विरोध कर रहे हैं। इसी बीच अब जातिगत जनगणना को लेकर बीते दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस मुद्दे पर विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा कि जो आज जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो असल मायने में संविधान और बाबा अम्बेडकर के विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, न कि आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिए। मांझी ने कटाक्ष करते हुए लिखा कि नाम में टाइटल लगाकर अपनी जाति बताने वाले आपको जातिगत जनगणना से डर क्यों है। पशुपति पारस ने किया साफ, किसी भी हाल में नहीं जाएंगे चिराग के साथ। चाचा भतीजे की लड़ाई में अब नया मोड़ आ गया है। कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन पशुपति पारस ने अपने हालिया बयान से संभावनाओं की डोर को ही काट दिया है, जिसके तहत बीते दिन चिराग पासवान पर आरोप लगाते हुए उन्होंने साफ कहा कि चिराग ने जबरन रामविलास पासवान को लोजपा अध्यक्ष पद से हटा दिया था, वो मेरी भी इज्जत नहीं करते थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने भतीजे के साथ संबंध मधुर होने की सभी संभावनाओं को सिरे से नकार दिया है। इस बाबत मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान पशुपति पारस ने साफ कहा कि सूरज इधर से उधर हो सकता है, मगर अब चिराग के साथ सुलह नहीं हो सकती। सिंधिया ने लिखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र। बिहार में जहां पुराने एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होना है, वहीं नए एयरपोर्ट खोले जाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम नीतीश कुमार से पत्र लिखकर जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके तहत पटना और दरभंगा एयरपोर्ट का जहां विस्तारीकरण होना है, वहीं रक्सौल, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में नए एयरपोर्ट खोले जाने के लिए राज्य सरकार से सहयोग मांगी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार के सीएम को पत्र लिख उनसे हवाई अड्डे के लिए भूमि आवंटन जैसे मामलों में निजी हस्तक्षेप का अनुरोध किया है।
ताकि उनके विकास के कार्य में तेजी लाई जा सके। बता दें कि पटना और दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाना है, जबकि बाकी जगहों पर नई सेवाएं शुरू की जानी है। में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आदि गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतिष्ठापना 1604 में आज के दिन हुई थी। भारत के पहले मजदूर संगठन के रूप में श्रमजीवी संघ की स्थापना 1870 में आज के दिन हुई थी। भारतीय सशस्त्र सेना की प्रथम महिला जनरल मेजर जनरल जी अली राम मिलिट्री नर्सिंग सेवा की निदेशक 1976 को नियुक्त हुई थी। सोनाली बैनर्जी 1999 में भारत की प्रथम महिला मरीन इंजीनियर बनी। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए के माथुर को 2008 में सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन ने 2008 में झारखंड के छठे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष सुश्री मायावती को 2009 में पुनः अध्यक्ष पद पर तीसरी बार चुना गया था। उल्लेखनीय है कि दल के संस्थापक काशीराम के उपरांत वो लगातार इस पद पर बनी हुई हैं। भारतीय प्रोफेशनल रेसलर और लिफ्टर दिलीप सिंह राणा उर्फ ग्रेट खली का जन्म 1972 में आज ही के दिन हुआ था। इंग्लैंड के बदतमीज दर्शकों ने मोहम्मद सिराज पर फेंकी गेंद। बीते मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी इंग्लैंड के बिगड़ैल दर्शकों की बदतमीजी देखने को मिली है, जिसके तहत भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को एक बार फिर से दर्शकों ने निशाना बनाया। ऋषभ पंत ने पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद मीडिया से बातचीत में इस बारे में खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सिराज बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे थे, तब यह घटना हुई। टीवी कैमरे ने भी दिखाया कि कोहली इस बात से काफी गुस्सा हुए थे। इस बाबत पंत ने कहा कि मुझे लगता है कि किसी ने सिराज पर गेंद फेंकी, इसलिए कोहली नाराज थे। आप जो चाहे वो कह सकते हैं, लेकिन फील्डर्स पर सामान मत फेंकिए। मेरे हिसाब से यह क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। संपत्ति बेचने के मुद्दे पर इन दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार केंद्र सरकार का घेराव कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से उन्होंने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाया है, साथ ही कई आरोप भी लगाए, जिसके तहत उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खरबों की राष्ट्रीय संपत्ति निजी कंपनियों को क्यों बेच रही है। अगर केंद्र सरकार राष्ट्र की संपत्ति में इजाफा नहीं कर सकती तो दशकों की मेहनत से बनाई गई परिसंपत्तियों को औने पौने दाम पर बेचकर राष्ट्र का नुकसान क्यों कर रही है। यह पूरी तरीके से गरीबों, कमजोर वर्गों और देश के हितों के खिलाफ है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्रीय सरकार की निजीकरण द्वारा सरकारी नौकरियों को समाप्त करने और सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक उपक्रम में वंचित वर्गों के आरक्षण को खत्म करने की एक दीर्घकालिक भयावह योजना है। बिहार में डेल्टा प्लस वेरिएंट वाले राज्यों में आने वालों का होगा टेस्ट। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि अभी यह मामले बिहार में बेहद ही कम है, लेकिन बिहार सरकार अभी से ही सतर्कता के साथ काम कर रही है, क्योंकि जहां एक अंक में मामले की पुष्टि अब तक बिहार में हो रही थी, वहीं दो अंकों में मामले अब सामने आने लगे हैं। यही कारण है कि अब बिहार सरकार ने नया दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार अब बिहार में वैसे राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच होगी जहां डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। इस बाबत गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से राज्यों की सीमाओं, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर रैपिड एंटीजन जांच कराई जाएगी। जिनके पास 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट होगी, उन्हें जांच से मुक्त रखा जाएगा। क्रेडिट कार्ड बंद करने के लिए इन 5 बातों का रखें खास ख्याल। क्रेडिट कार्ड यूजर के लिए दिन प्रतिदिन के खर्चों को मैनेज करने के लिए महत्वपूर्ण साधनों में से एक माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी कभी अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखने की जरूरत है, जिसके तहत क्रेडिट कार्ड बंद करने से पहले सभी बकाया का भुगतान करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन पर ब्याज लगता है। लेकिन अगर आपने अपना बकाया चुकाने में देरी की है तो आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि कार्ड पर कोई भी स्थायी निर्देश ना हो। क्रेडिट कार्ड बंद करते समय कार्ड की एज पर भी विचार करना जरूरी होता है। इसके साथ ही अगर आप आने वाले कुछ वक्त में लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो कार्ड बंद करने से बचना चाहिए। इसके अलावा अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करने से पहले कार्ड पर मौजूद ऑफर्स का इस्तेमाल भी जरूर कर लें। जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 26 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,490 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,710 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.87 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.57 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट अच्छा लगा है उनके नाम है अर्चना चौधरी, राहुल राज, संजय कुमार, नुन्नु कुमार, राजेंद्र राम, रवि सिंह, शंकर मुखिया, राजेश वर्मा, राजेश कुमार, दिलीप कुमार, हृदेश कुमार, आर्यन कुमार, शिखा कुमारी, गौतम कुमार, सुषमा कुमारी, अभिमन्यु यादव, सुषमा सिंह, अनुज राजवंशी, नीतीश प्रजापति। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार भारत बनाम इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट
टेस्ट मैच की मौजूदा स्थिति को देखते हुए किस टीम का पर राज ज्यादा भारी है, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।